गाइस, आज हम इस बैट को, ये करीब 1600 ग्राम का, 1650 ग्राम का बैट है और ये करीब इस समय इसकी थिकनेस अप्रॉक्स 60 mm की थिकनेस है, 58 mm की थिकनेस है, 58 mm की थिकनेस, और ये बैट की जो चौड़ाई है 1.5 mm ज़्यादा है, और ये 1600 ग्राम का बैट प्रॉपर ग्रेन्स। इसको हम प्रेस करेंगे और इसका एक 4 कैप्सूल बैट, प्लेयर एडिशन 4 कैप्सूल बैट तैयार करेंगे हम इसमें। तो आइए, बैट बिल्कुल हार्डली प्रेस हो चुका है और देख सकते हैं आप, ग्रेन्स इसकी प्रॉपर अब उभर के आ गई हैं। हाथ लगाने पे महसूस हो रहा है कि कश्मीरी बिल्लो वुड है, तब भी इसकी ग्रेन्स कितनी अच्छी पता चल रही है, और बैट की चौड़ाई और भी बढ़ गई क्योंकि लकड़ी जब दबी है। ये करीब 58 mm था और इस समय बचा है 51 mm। करीब 7 mm तक ये प्रेस हो चुका है बैट। 7 mm एक प्लेयर एडिशन बैट के लिए बहुत है, इनफ है। अब इसका मैं आपको पंच टेस्ट करा देता हूँ लेदर बॉल से। लेदर बॉल से इसका पंच, जो टेनिस बैट है, अभी बहरहाल स्कूप नहीं निकला है या फाइनल फिनिशिंग सब अभी नहीं हुआ है, बट उसके बावजूद भी मैं आपको इसका पंच दिखा देता हूँ। आपको आइडिया मिल रहा होगा, और ऐसा ही जब फाइनल बैट रेडी हो जाएगा और स्कूप निकलेगा तब भी इसी तरह का पंच आएगा। थोड़ा सा डिफरेंस आता है क्योंकि स्कूप निकल चुका होता है, थोड़ा सा हल्का होता है। और यही चीज अगर रेड बॉल हार्ड, ये डे लाइट की बॉल है, और इसमें टेस्ट करते हैं। अभी कितना अच्छा साउंड कर रहा है और पंच दे रहा है। आगे का प्रोसेस में आपको जरूर पूरा वीडियो देखिएगा। इसमें प्रॉपर जो फाइनल शेप है, अभी तो ये बस सेमी फिनिश बैट है एक तरह से, तो अभी इसमें पूरा शेप देंगे हम, और बैट का प्रोफाइल, ग्रेन्स आप देख रहे हैं, प्रॉपर ग्रेन्स वाली वुड है ये, हैंडल पूरी तरह से फिट है, सिंगापुरी फुल केन हैंडल है जो दोनों तरफ से फिट है। यहाँ पे तो अभी रंदा चलेगा। दोस्तों, ये 1600 ग्राम, 1650 ग्राम का जो बैट था, ये वो है इस पर शेप डिसाइड हो रहा है यहाँ पे, शेप कितना रखना है। थोड़ा सा कर्व में मिसमैच है तो कर्व यहाँ पे मैच हो रहा है, और बैट का बैक शेप। इसमें हमने फाइनल किया था कि 4 कैप्सूल डिज़ाइन निकालेंगे, वेट के हिसाब से एक्चुअली डिज़ाइन निकलता है, क्योंकि कई बार देखिए पेड़ तो एक ही होता है,
लेकिन उसमें लकड़ी बड़ी अलग अलग होती है, जिसकी वजह से हमारे लिए वेट कई बार कस्टमर को देना, कस्टमर तो बोल देता है 950 1000 किलो या फिर भी इस तरह का वेट डिमांड करते हैं, बट उसमें होता है कि जल्दी आता नहीं है, जबकि ये ज़्यादातर लकड़ी सूखी हुई है, क्योंकि रंधा बड़ी आसानी से चल रहा है, तो इसका मतलब लकड़ी बहुत अच्छे से सूखी हुई है, लेकिन फिर भी वजन लाना हमारे लिए काफ़ी मुश्किल पड़ता है जब भारी लकड़ होता है। तो
तो ये 4 कैप्सूल की वुड थी जो हमने सेलेक्ट किया था। अब ये डिज़ाइन निकलने जा रहा है इसमें, जो फ्रेश फ्रेश होके शेप देके फुली कंप्लीट हो गई थी। शेप दिखाइए, ऐसे शेप जबरदस्त लग रहा है। अब इसमें स्कूप निकलने जा रहा है,
ये फोर कैप्सूल बैग फुल्ली रेडी हो गया है, बाइंडिंग वगैरह सब कंप्लीट करके। इसमें एरोलाइट हम बाद में लगा देंगे। फोर कैप्सूल डीप स्कूप नहीं है, बहुत नॉर्मल सा निकला है, खेलने के लिए करीब 2 से 2.5 सेंटीमीटर की है वो। और इसका मैं आपको लेदर बॉल से पंच दिखा देता हूँ, जैसा कि हमने बताया था। इतनी तेज मारने के बावजूद भी बैट में कहीं भी कोई स्पॉट नहीं है लेदर बॉल का। 50mm की ब्लेड है ये प्रोफाइल। ये ग्रेन्स वाले बैट हैं, प्रॉपर ग्रेन्स है इसमें। और इसका वेट अप्रॉक्स मैं आपको वेट भी दिखा देता हूँ। ग्राम फाइनल वेट आया है, बैंडिंग वर्डिंग सब कंप्लीट होने के बाद, स्टिकर वगैरह लगने के बाद। और इसका पंच देखिए आप, रेड बॉल में 1100 ग्राम में मानिए क्योंकि बैंडिंग वगैरह तो इतना मैनेज हो जाता है। अब इसका पंच देखिए आप, लेदर बॉल में अगर ये पंच आ रहा है